बिजनेसमैन से करोड़ों की फिरौती मांगने वाले दो काबू। पंजाब में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि लोग आजकल व्यापारियों और अमीर घरानों के लोगों को फोन पर धमकियां देकर उनसे फिरौतियां मांगना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बसंत एवेन्यू निवासी रोहित सब्रवाल को फोन पर किसी व्यक्ति की तरफ से धमकी देकर उसके पास से करोड़ों की फिरौती मांगी। इस संबंधी रोहित ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों का मोबाइल नंबर ट्रेस कर नाकेबंदी कर उनको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपियों की पहचान चरणजीत सिंह चांद और गजेंद्र सिंह राजवीर के तौर पर हुई है। ये अक्सर ही इस तरह की लूट व ब्लैकमेलिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। इन पर पहले भी कई मामले दर्ज है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के पास से एक कार, चार मोबाइल और एक देसी पिस्तौल सहित तीन जिंदा कारतूस, 32 बोर और एक कमानीदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। माननीय कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृतसर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल IPS जी के दिशा निर्देशों से साड़ियाँ टीम जिहड़ियाँ वो लगातार अमृतसर पुलिस दी जिहड़ियाँ काम कर रही ने फड़े पुरशां की गिरफ्तारी वास्ते ते माड़े अंसरां नूं नत्थ पाउण वास्ते। सो इस मुहिम दौरान साढ़े ऑलरेडी एक केस साढ़े कोल रजिस्टर होया सीगा जिस दे विच रोहित सब्रवाल जिहड़े इत्थों दे एक इंडस्ट्रीज ने उन्हां नूं धमकी अते फिरौती की मांग की गई सी। उन्हां दे कोलों लगातार दो तीन दिन तो उन्हां नूं कॉल्स आ रही सीगियां जिस ते कमिश्नर साहब के दिशा निर्देशों से माननीय DCP साहब की रहनुमाई हेठ साडियां टीमां तैयार की गई जिसनों लीड कर रहे थे साडे ACPD साहब एंड उन्हां दे नाल ACP नॉर्थ साहब अते फरदर अगे साडियां टीमां दे विच इंचार्ज CIA इंचार्ज एक्साइज SHO मजीठा रोड अते CIA की पूरी टीम ये इस ऑपरेशन नूं अंजाम देने वास्ते लगातार असीं अपनी प्लैनिंग करके अपने खुफिया सोर्सिज अते टैक्नीकल सोर्सिज दे नाल इस केस नूं क्रैक करने वास्ते टीमां बना के असीं अपनी योजनाबंद तरीके दे नाल रणनीति नूं अगे लैके गए अते उस वेले साडी टीम नूं बहुत ही वधिया कामयाबी मिली जदों धमकी देण वाला फरौती मंगण वाला व्यक्ति जिहड़ा सीगा उस नूं इस गल का यकीन दवाया गया कि तुसीं आके इत्थों पैसे ले जाओ। जदों उस नूं इस गल का यकीन हो गया तो उसने रोहित जी नूं ये कहा कि असीं पैसे लैण आ रहे हैं तुहाडे कोलों। फिर साडियां टीमां ने बहुत ही वधिया तरीके नाल नाकाबंदी करके कल लेट ईवनिंग दे विच जिहड़ा साडा ऑपरेशन होया है उहदे विच असीं दो लोकां नूं अरैसट किया है जिन्हां दे कोलों एक कार इकोस्पोर्ट, एक 32 बोर का देसी पिस्तौल, 3 लाइव कार्ट्रिजेस, एक चाकू अते 4 मोबाइल फोन रिकवर किए गए हैं जो कि ऑलरेडी मुकदमा साढ़े कोल दर्ज सीगा 230 नंबर थाने मजीठा रोड दे विच जिस विच कल उन्हां दी गिरफ्तारी पा के लेट ईवनिंग दे विच सीगा ते अज गिरफ्तार उन्हां नूं करके ते उन्हां नूं मानयोग अदालत दे विच पेश करके उन्हां दा रिमांड ले लिया गया। सो फरदर अगे इन्हां तों पुछगिछ करके इस चीज़ नूं खंगालिया जाएगा कि इन्हां दे नाल कोई होर भी व्यक्ति इहदे विच शामिल सी जां इह दोनों जाणे सी। गिरफ्तार किए व्यक्तियों के चरणजीत सिंह सन ऑफ गुरबचन सिंह इसका छोटा नाम चानवी इस आखते हैं इसका भाणजा गजेंद्रजीत सिंह जो कि अमृतसर का ही रहने वाला से गजेंद्रजीत सिंह चरणजीत सिंह भी पहला अमृतसर का रहने वाला से बट हूँ ये काफ़ी लंबे समय तो मोहाली के रह रहा है जिथे इसका फ्लैट इन्हें रेंट पर लिया हुआ उत्थे रह रहा है। बाकी अजे फरदर इन्हों की हुण पुछगिछ करके इन्हों के होर कोई साथी ये है कि नहीं है वो दे बारे जो चंगी तरह डिटेल दे विच पुछगिछ की जाएगी। इन्हों का फिलहाल जोड़ा काम हैगा पहला तो इन्हों की इतने फोकल पॉइंट दे विच फैक्ट्री हैगी है उस फैक्ट्री दे विच इन्हों का काम चलता है। इन्हों दे कोलों पहला जिहड़ी फरौती की मांग की गई सी 5 करोड़ रुपया मंगी गई सी फिर जदों इन्हां दी सैटलमेंट करवाई गई उहदे विच ड्यूरिंग सैटलमेंट 1 करोड़ रुपए की इन्हां नूं कहा गया सी भी 1 करोड़ रुपया तुसीं लै जाओ पहला। हाँ जी ये बिल्कुल ये धमका रहे सीगे उन्हां नूं लगातार कॉल करके कह रहे सीगे तुहाडे परिवार का नुकसान करांगे सानूं तुहाडे परिवार बारे सारी इनफॉर्मेशन हैगी है। ये हुण इन्हां दा अज्ज मानयोग अदालत तों रिमांड लै लिया ड्यूरिंग रिमांड जदों इन्हां तों पुछगिछ की जाएगी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀਗਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵਿੱਚ ਮੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਮੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ। देखिए ये सारा इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो चीज़ें सामने आएंगी काफ़ी सारे खुलासे होने की हमें उम्मीद है और इस चीज़ के ऊपर भी ये मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि इनके साथ कोई और भी लोग हों और अगर ऐसा कुछ सामने आता है अगर ऐसे कोई प्रूफ हमारे सामने आते हैं तो डेफिनेटली उनको भी रेस्ट करेंगे। देखिए वो सारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो हम अपने इन्वेस्टिगेशन पे डील करेंगे। ये कल असी जो सानू इन्फॉर्मेशन मिली सी तो उस वेले असी ये वल्ले तो जो आप गोल्डन गेट में आने निरंकारी भवन के कोल जो उत्थे इन्हों अरेस्ट किया गया। कल दो जने से कार एक इन्वेस्टिगेशन के चीज़ा जी सारियाँ क्लीयर हो गया। नहीं नहीं पंचकूले जो ये गया उ भी कॉल आई सी पंचकूले भी कॉल आई सी बट ये इतने भी जो लगातार इनू कॉल जो करते रहे जो वापस भी आ गया इनू इन्होंने कॉल करके भी कहा कि असं अमृतसर आए हुए हैं सानू पता है तू कि रहने वाले हैं कितने तेरा घर है कौन कौन तेरे मैंबरस ने फैमिली के डेफिनेटली जो भी असं किसी क्रिमिनल फड़न जाने तो जो भी साडा कोई ऑपरेशन होंगे तो क्रिमिनल की भी अपनी ये कोशिश होंगी है कि वह भजन की कोशिश नहीं कोई फायरिंग वाला कोई इंसीडेंट नहीं हुआ। ये जड़ा ये गजेंद्रजीत सिंह हैगा या इन्हों की जहाजगढ़ के शॉप हैगी हाइड्रोलिक पंप जोड़े बनाते हैं ट्रैक्टर के पर तो पहला इन्हों की फैक्टरी सी फोकल पॉइंट के कोई बाकी अजय मजीद पुछगिछ के सारिया चीज़ा सामने आनगिया। जो ये चरणजीत सिंह ये ठेकेदारी का काम करता है जिवें लेबर के बंद लैके पंचकुला साइड से उधर ज़्यादा ऑपरेट करता है। मामा भांजा नैटवर्क में होर भी खुलासे जिदा तुम कह रहे हो कि हम होने वाले बाकी ने तो जिदा कि मामा भांजा नैटवर्क में नशा भी आ गया तो आने वाली गल हैगी है पर यह जो इन्होंने 5 करोड़ तो 1 करोड़ आया तो सारा फिल्मी स्टाइल फिल्मी जिदा फिल्मों के लोग वेखते हैं उदा नोट कट्ठे किए या जो भी एक्सवाइज जैड इन्होंने ना पता लगे तो पुलिस के कई कितने ना कि 24 घंटे अंदर बहुत वही थोड़ी जी कामयाबी है पुलिस की कामयाबी है तो कितने ना कि सर फिल्मों का भी इन्होंने भी वेखिया होनी तो तुम्हें भी वेखिया होनी। देखो पुलिस का काम होंगे अपने तरीके अपनी योजनाबंद तरीके रणनीति तैयार करना जो कि असी ऑलरेडी वेद काफ़ी वर्कआउट किया हो बाकी क्रिमिनल ने अपना सिस्टम देखना है कि उन्हें किस तरह अगे वधना बट पुलिस जी है वो पुलिस बिल्कुल तैयार बर तैयार है। मैं पहला भी बहुत बारी थोड़े सारे के रूबरू होकर थोड़े सारे के माध्यम राही अमृतसर के वासियों इस गल का यकीन दवाने की कोशिश करता रहना है कि असी हमेशा तैयार हैं थोड़ी सेफ्टी वास्ते थोड़ी सिक्योरिटी वास्ते एंड मैं माण है कि अमृतसर पुलिस जी बहुत वधिया काम कर रही है और मैं उस टीम का पार्ट हाँ। हाँ जी ये खिलाफ जोड़ा है जी असं थोनों ऑलरेडी प्रेस नोट देता है ये 384, 387, 506, 534 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। ये 32 बोर का देसी पिस्तौल हैगा जी नहीं लाइसेंस ही नहीं हैगा जी। हाँ जी 4 दिन का देखो ये तो हम पुछगिछ की जाएगी इन्हों को इन्होंने किसी ने नंबर प्रोवाइड करवाया है या इन्हे को नंबर रैंडम किसी तो आया वह सारा जो ड्यूरिंग पुछगिछ हम इन की करा इंटरोगेशन जो होएगी इन्हों की सारिया चीज़ा सामने आनगियाँ। Gracias.